हेलो फ्रेंड्स, आई एम राहुल एंड वेलकम टू द क्लास 5 मिनट इंग्लिश। वेलकम टू द ECLE, यू कैन लर्न इंग्लिश, एवरीबडी कैन लर्न इंग्लिश। ओके, तो स्वागत है 5 मिनट की क्लास में। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 5 मिनट की क्लास में डेली आपके बीच में ला सकूँ और डेली बीच बिल्कुल भी कोई गैप ना रहे, डेली क्लास ला पाऊँ। ओके, तो आज की क्लास हम कुछ नया सीखेंगे। कुछ मैंने आज 8 वाक्य जो लिए हैं, जो आपके लिए 100% आपके लिए यूजफुल रहेंगे, और इन वाक्यों को कैसे अपन यूज़ कर सकते हैं, पहले तो आप समझिए ध्यान से, ठीक है। तो इन वाक्यों को, इन सेंटेंसेस को आप अगर दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, दो लोग आपस में बात कर रहे हो और अपनी बात को गंभीरता से बोलने के लिए या फिर ध्यान आकर्षित करने के लिए, अट्रैक्शन के लिए या कोई बात आप बोल सकते हो, आप आसानी से इन सेंटेंसेस का यूज़ कर सकते हो। या फिर आप बहस कर रहे हैं दोनों या डिबेट हो रही हो, तो आपको अपनी बात को और अच्छे से ड्रू करने के लिए या हम बोल सकते हैं अट्रैक्शन के लिए आप इन शब्दों का यूज़ कर सकते हो, अपनी बात बताने के लिए इन शब्दों का यूज़ कर सकते हो, सेंटेंस का यूज़ कर सकते हो, इन फ्रेज वाक्यों का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने सेंटेंसेस लिखी हैं, ठीक है, और ये 8 प्रकार के हैं। वीडियो छोटी सी वीडियो ध्यान से देखना, ये 8 प्रकार के हैं, ठीक है। तो आपके लिए ऑप्शनल है, ये आपकी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सा सेंटेंस यूज़ कर रहे हैं। इट इज़ डिपेंड ऑन द सिचुएशन, ओके। जरूरी नहीं है कि आप इस सिचुएशन में एक्सक्यूज मी या अदर टाइप्स के वर्ड यूज़ करेंगे, आपको फुल्ली डिपेंडेंट है, लेकिन आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन के लिए वर्ड है कि आप इन वर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं, इन सेंटेंसेस का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाला बटन दबाएँ, ताकि जो लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो देखते हैं वीडियो को ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना वीडियो को, और मैं 8 सेंटेंस आपको बताता हूं, बहुत बहुत शानदार सेंटेंस है, देखिए, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले लिखा एक्सक्यूज मी प्लीज, ओके। तो ये सिंपल वर्ड होगा एक्सक्यूज मी प्लीज, ये ज़्यादातर ये आपका 100% ये यूज वर्ड होता है एक्सक्यूज मी प्लीज। अगर कोई बात कर रहा हूँ तो माफ़ कीजिए बोलते हैं ना, एक्सक्यूज मी प्लीज बोलते हैं ना, तो ये ज़्यादातर रिवर्ट करते हैं एक्सक्यूज मी प्लीज़, आपने 100% सुना होगा, तो आप ये तो बोल सकती है। उसके अलावा आपको अगर एक मोर सेंटेंस अगर कन्वर्सेशन कर रहे हो आप, तो बोल सकते हैं एक्सक्यूज मी प्लीज़, बट मैंने ये सेंटेंस एग्जांपल के तौर पर लिखा है, ये सेंटेंस मैंने एग्जांपल के तौर पर लिखा है, आप कोई भी सेंटेंस लिख बोल सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंडेंट है, ओके। तो इसके आगे अगर बोल रहा हूँ, थोड़ा एम्फसाइज करना हो, तो क्या बोलेंगे, ये पोलाइट है, एक्सक्यूज मी बट देर इज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, एक्सक्यूज मी प्लीज बट देर इज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। तो अपनी बात को अटेंशन दे सकते, अपनी बात को मतलब अपना ध्यान लोगों का आकर्षित कर सकते हो, तो एक्सक्यूज मी बट देर इज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, आप ऐसे शब्दों का यूज़ कर सकते हो। ये मेरा एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है, ध्यान रखना, ठीक है। ये नेसेसरी नहीं कि आपको यही वर्ड बोलना है, ये नेसेसरी नहीं है, ठीक है। ये सिंपल है, एक्सक्यूज मी प्लीज, मैंने बट लगा दिया, थोड़ा एम्फसाइज अच्छे से और ज़्यादा एम्फसाइज हो जाएगा, थोड़ा सा अट्रैक्शन के लिए कर सकते हैं, ओके। अगर आप इसमें भी संतुष्ट नहीं हो, आप सुन रहा सामने वाला बात, तो और अच्छे से बोल सकते हैं, ठीक है। मे आई इंटरप्ट यू बोलते हैं ना, एक्सक्यूज मी आई इंटरप्ट यू, मैं क्या आपको मैं इंटरप्ट कर सकता हूँ, तो बोल सकते हैं क्या मैं आपको इंटरप्ट कर सकता हूँ, मतलब, और आप अपने जो अपनी बात रखना चाहो रख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो आपको ये थर्ड सेंटेंस है, आप ऐसा भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने एक ऑप्शनल, ये सब ऑप्शनल वाले सेंटेंस है, ठीक, ऑप्शनल है, कोई अलग नहीं है, ठीक है। तो अगर ये भी यूज़ कर सकते हैं, अगर इसमें भी नहीं मान रहा चलो तो और पोलाइट हो गया थोड़ा सा, ठीक है। तो क्या बोल दिया, सॉरी टू इंटरप्ट यू, क्या बोले, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मतलब माफ़ करना, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, रोक रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसको ही वर्ड यूज़ कर सकते हैं, सॉरी टू इंटरप्ट यू, क्या बोला, सॉरी टू इंटरप्ट यू, आप ये भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, सॉरी ये भी सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। किसमें, कन्वर्सेशन में आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस मैंने क्या लिखा है, फिफ्थ वाला है, कि सॉरी लिसन टू मी प्लीज़, सॉरी लिसन टू मी प्लीज़, कृपया मेरी बात सुन लीजिए, ठीक है। तो ये भी यूज़ कर सकते हैं, सॉरी टू लिसन मी प्लीज़, ओके। अब सिक्स वाला है, ये सिक्स वाला सेंटेंस है, मे आई ड्रू योर अटेंशन टू वर्ड, तो ये थोड़ा और ज़्यादा इम्पैथेटिक हो सकता है, थोड़ा सा और ज़्यादा ध्यान आकर्षित करने के लिए बोल सकते हैं कि सॉरी मे आई क्या बोला, सॉरी आई ड्रू योर अटेंशन टू वर्ड्स, मैं ड्रू मीन्स क्या होता है, खींचना, क्या है खींचना, मैं
ध्यान कहाँ खींच रहा हूँ, इस तरफ खींच रहा हूँ, आपका ध्यान इस तरफ खींच रहा हूँ, सॉरी मैं आपका ध्यान इस तरफ खींच रहा हूँ बोल सकता हूँ, बोल सकते हैं ठीक है, मे आई या सॉरी हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं ठीक है। तो ये जो एक से लेके जो अपने छः वाले वर्ड हैं, एक से सॉरी छः वाले जो सेंटेंस हैं, ये आपके पोलाइट के लिए यूज़ होगा, पोलाइट ठीक है, ये आपके पोलाइट के लिए यूज़ होगा। छः यूज़ आप आसानी से कर सकते हो। देखिए अगर घी सीधी उंगली से निकल रहा तो आप उंगली को टेढ़ी करना पड़ेगा, क्या करना है, ये उंगली को टेढ़ी करना पड़ेगा। तो जो दो सात और आठ जो मैंने सेंटेंस लिखा है, ये जो सेंटेंस है, ये वाक्य है ठीक है, ये आप इरिटेशन जब हो जाती है व्यक्ति की इरिटेशन, तो आपको थोड़ा सा इरिटेट या झंझनाहट या थोड़ा सा एक्सप्रेशन के तौर पर, मतलब गुस्से के तौर पर बोल सकते हैं, थोड़ा सा लिटिल बिट थोड़े बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, कांट यू सी क्या तुम देख नहीं सकते हो, कांट यू सी आ पिट इन द रोड। तो ये जो सेंटेंस है ये आप मैंने एग्जांपल के तौर पर लिखा है, कांट यू सी क्या आप देख नहीं सकते हो, कांट यू सी पुट इन द रोड क्या आप गड्ढा नहीं देख सकते हो, बोल सकते हो ध्यान से, मतलब आप यूज़ कर सकते अपनी बात को और ज़्यादा एम्फसाइज करने के लिए, डिबेट्स में यूज़ कर सकते हो बहुत ज़्यादा ठीक है। अब एक लास्ट वाला क्या है, डोंट यू अंडरस्टैंड, क्या मैंने लिखा, डोंट यू अंडरस्टैंड द मीनिंग्स ऑफ दिस ट्रैफिक साइन, अरे समझ रहे क्या लिखा, डोंट यू अंडरस्टैंड यूज कर सकते हो ना, डोंट यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस ट्रैफिक लाइट, मीनिंग ऑफ द ट्रैफिक लाइट। तो हम इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, तो ये दो वाली सेंटेंस है, अगर सीधी उंगली से अगर घी नहीं निकल रहा तो उंगली को टेढ़ी करके यूज़ कर सकते हैं, मतलब एग्जांपल के तौर पर मैं बता रहा हूँ ठीक है। तो ये आपके एक्सप्रेशन वर्ड हैं आपके, आई होप कि यह वर्ड आपके लिए यूज़फुल रहे, ये क्लास आपके लिए यूज़फुल रहे। तो ये छोटी सी वीडियो थी, आपकी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ टेल मी इन कमेंट बॉक्स, यदि चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, घंटी वाला बटन दबाओ और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक, रिश्तेदारों को, यारों को सब जगह शेयर कर दो ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही हो, मिलते हैं फॉर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।